आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े पब्लिसिटी स्टंट के बारे में, जिसमें एक कंपनी अपनी काबिलियत दिखाने के लिए एक ट्रक पर भारी भरकम बर्फ का टुकड़ा रखकर लगभग आधी दुनिया में घुमा देते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि सहारा रेगिस्तान में 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा के तापमान में करीब एक हफ्ते से भी ज्यादा समय बिताने के बाद बर्फ पिघलती नहीं है। और ये बात आपको और भी ज्यादा हैरान कर देगी कि उस ट्रक में कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम नहीं लगा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लासिफाइड वर्ल्ड में। और आज हम जानेंगे आइस ब्लॉक एक्सपेडिशन 1959 की असल कहानी के बारे में। साल था 1958 का और मौसम था पतझड़ का। रेडियो लग्जमबर्ग उस समय का सबसे मशहूर रेडियो हुआ करता था और उन्होंने एक बहुत ही अजीब चैलेंज को अनाउंस किया। उनका चैलेंज था आर्कटिक सर्कल से इक्वेटर तक 3 टन बर्फ को ट्रांसपोर्ट करना है और इनाम रखा जाता है हर किलोग्राम पर 1,00,000 फ्रांसिस का। अगर आज के समय में देखा जाए तो ये रकम बनती है करीब $15,190 और वो भी सिर्फ 1 किलोग्राम बर्फ के। पूरे 3 टन बर्फ का प्राइज मनी बनता है लगभग $45.5 मिलियन, यानी कि 370 करोड़ भारतीय रुपए। इट्स अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन ये प्राइज मनी जीतना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पर रेडियो लग्जमबर्ग ने कुछ शर्तें भी रखी थी। पहली शर्त ये थी कि बर्फ को सिंगल पीस में ही पूरी यात्रा करनी होगी। दूसरी शर्त ये थी कि इस यात्रा को बाय रोड ही किया जाएगा। और आखिरी और सबसे बड़ी शर्त जिसकी वजह से इस मिशन को पूरा कर पाना लगभग इम्पॉसिबल था, वो ये थी कि इस जर्नी में कोई भी रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जो बर्फ महज हमारे हाथों में आते ही पिघलने लग जाती है, वो भला 8,500 किलोमीटर का सफर तय करके 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी को सहकर सहारा रेगिस्तान को पार कैसे कर सकती है। यही सोचकर रेडियो लग्जमबर्ग ने इतना बड़ा प्राइज मनी रखा था। उन्हें लगता था कि वो इस अनाउंसमेंट से पूरी दुनिया की अटेंशन अपनी ओर कर लेंगे और ये मिशन तो उनके हिसाब से इम्पॉसिबल तो था ही। और शायद यही वजह थी कि रेडियो ब्रॉडकास्ट में इस कॉम्पिटिशन की अनाउंसमेंट के बाद भी कोई इस चैलेंज को पूरा करने के लिए आगे नहीं आया था। लेकिन काफी दिनों बाद बिर्जर नाटविक नाम के एक इंसान ने जब ये अनाउंसमेंट देखा तो इसने इस चैलेंज को पूरा करने का ठान लिया। असल में वो इंसान कोई और नहीं बल्कि नॉर्वेगियन इंसुलेशन मटेरियल कंपनी ग्लासवाट, जिसे आज ग्लावा के नाम से भी जाना जाता है, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। जैसे ही उन्होंने इस चैलेंज को देखा, उन्होंने तुरंत अपनी कंपनी को ये सलाह दी कि उन्हें ये करना चाहिए। नाटविक की कंपनी का आइडिया था कि बर्फ को केयरफुली ग्लास वूल में रैप करके भेजा जाए ताकि बर्फ बाहर के एनवायरमेंट से बची रह सकेगी और कंपनी को मिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्राइज मनी भी मिल जाएगी। ग्लासवाट कंपनी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने का डिक्लेरेशन दे देती है और इसी के साथ पूरे देश और दुनिया भर में इस मुद्दे पर डिबेट्स होने लग जाती हैं कि इस यात्रा में ग्लासवाट कितना पैसा उड़ाने वाली है और आखिर इस यात्रा में कितनी बर्फ पिघल जाएगी और क्या ग्लासवाट ये चैलेंज जीत भी पाएगी। लेकिन ग्लासवाट अपने समय की एक प्रसिद्ध कंपनी थी और वो इंसुलेटिंग मटेरियल्स में डील भी करती थी, इसलिए रेडियो लग्जमबर्ग को अब ऐसा लगने लगा कि उन्होंने ये चैलेंज देकर एक बड़ी गलती कर दी है। और जैसे ही रेडियो लग्जमबर्ग को अपने पैसे खोने का डर सताने लगा, उन्होंने अपना ये चैलेंज वापस ले लिया। और अब यहाँ से रेडियो की कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन ग्लासवाट कंपनी को लेकर देश दुनिया में जो हाइप बनी थी, जो उसकी चर्चाएं हो रही थी, कंपनी उस चीज को नहीं खोना चाहती थी। इसलिए अब कोई प्राइज मनी ना होने के बावजूद भी ग्लासवाट इस एक्सपेडिशन को पूरा करने का मन बना लेती है। वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि इस एक्सपेडिशन से दुनिया भर को उनके इंसुलेटिंग मटेरियल की क्वालिटी के बारे में पता चल पाएगा, क्योंकि अब तक ग्लासवाट इसी एक्सपेडिशन के चलते इतनी पॉपुलर हो चुकी थी कि उसे स्पॉन्सर करने के लिए दूसरी कंपनियां भी अब इस मुहिम में जुड़ रही थी। जैसे कि इस चैलेंज को पूरा करने के लिए शेल नाम की एक कंपनी ने इसके लिए फ्यूल प्रोवाइड किया था और जो ट्रक एक्सपेडिशन में यूज किया गया था वो स्कैनिया कंपनी ने दिया था और लगभग 8 देशों ने इस एक्सपेडिशन में फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया था। इस एक्सपेडिशन को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई सीवर्ट क्लीमेन को। इसके बाद बर्फ निकालने का काम शुरू किया जाता है। स्वाटिशन ग्लेशियर से बर्फ निकाली जाती है, लेकिन पूरे 3 टन का बर्फ का ब्लॉक एक बार में निकालना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए चेनसॉ से काट कर 200-200 किलोग्राम के ब्लॉक्स बाहर निकाले गए और फिर उन्हें एक जगह पर रखकर एक कंटेनर में एक सिंगल ब्लॉक में जमा दिया गया। इस पूरे 3 टन के आइस ब्लॉक को लोहे के एक बड़े कंटेनर में रखा गया और उसे लकड़ी के बुरादे और ग्लास वूल से इंसुलेट कर दिया गया। इसके बाद कंटेनर को ट्रक पर रखा जाता है।
22 फरवरी सन 1959 को सुबह 9:15 पर ये ट्रक मोरियाना से अपनी यात्रा को शुरू करता है। इस ट्रक के साथ एक और वैन में कुछ और लोग भी जाते हैं, जैसे कि मैकेनिक और फिल्म क्रू, जो इस पूरे एक्सपेडिशन की डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले थे। ये पूरी जर्नी मोरियाना से लेकर करीब 8,500 किलोमीटर दूर अफ्रीका के लिब्रेवेल तक होने वाली थी। ये ट्रक जहाँ जहाँ से भी गुजरता, लोग इसे देखने के लिए भीड़ जमा कर लेते। पूरे यूरोप में जहाँ जहाँ भी ये ट्रक रुका, इनका स्वागत किसी सेरेमनी की तरह किया गया। इस ट्रक का पहला स्टॉप था नॉर्वे का एक शहर ओस्लो, जहाँ पर इस ट्रक का भव्य स्वागत किया गया। और साथ ही इस ट्रक में करीब 300 किलोग्राम मेडिसिन भी रखी गई, जो कि इसे लैम्ब्रिन में डिलीवर करनी थी। और यहाँ से ये एक्सपेडिशन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर भी उतरता नजर आया। ये सारी मेडिसिन इसके फाइनल डेस्टिनेशन से कुछ ही दूरी पर एक हॉस्पिटल में पहुँचानी थी। इसके बाद ये ट्रक लेंजिंगबर्ग, कोपेनहेगन, द हॉग और ब्रसल्स जैसे बड़े बड़े शहरों से निकलता है। और यहाँ से इस ट्रक में कुछ और दवाइयाँ भी रखी जाती हैं। लेकिन बेल्जियम पहुंचकर एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उनके पास उस बड़े से बर्फ के टुकड़े का कोई कस्टम डिक्लेरेशन नहीं था। लेकिन ऑफिशियल्स इस बात पर राजी हो जाते हैं कि ये ट्रक उनकी निगरानी में बेल्जियम से निकाला जाएगा। लेकिन इस इनकन्वीनियंस के लिए क्लीवन से बाद में माफी भी मांग ली जाती है। इसके बाद पेरिस पहुंचते ही पुलिस फोर्स इस ट्रक को एस्कॉर्ट करती है। और इतना ही नहीं, क्रू मेंबर वहां के मेयर के साथ बैठकर खाना भी खाते हैं। इसके बाद ट्रक पेरिस से होता हुआ मार्सिले पहुंचता है, जहां से इसे उठाकर एक बड़े से समुद्री जहाज पर रख के भूमध्य सागर का एक बड़ा समुद्री इलाका पार कराया जाता है। और फिर ये ट्रक उतरता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अल्जीरिया में। यहां पर अब ये देखा जाता है कि कितनी बर्फ पिघल चुकी है, तो उन्हें सिर्फ पिघली हुई बर्फ से 4 लीटर पानी ही मिलता है। लेकिन अब कंडीशंस बिल्कुल अलग थीं। अब वो अफ्रीका में थे और इस एक्सपेडिशन को 2 हफ्ते के करीब होने को आए थे। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उस समय अल्जीरिया में वॉर छिड़ी हुई थी, और जिस सहारा रेगिस्तान से उन्हें जाना था, वहां पर गोरिल्ला फोर्सेस के छिपे होने का भी डर था। ट्रक में पड़ी दवाइयां उनके लिए एक बड़ी लूट हो सकती थी। इसीलिए सहारा रेगिस्तान के एक हिस्से को पार करते हुए फ्रेंच फॉरेन लीगॉन फोर्सेज ने उन्हें कंपनी दी, और उन्हें खास तौर पर ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें ट्रक बीच में नहीं रोकना है। चाहे ट्रक पंचर भी हो जाए, फिर भी उन्हें आगे बढ़ते ही रहना है, उन्हें लगातार आगे बढ़ना है। खैर, उन्होंने बिना किसी ऐसी घटना के वो इलाका तो पार कर लिया, लेकिन रेगिस्तान की वजह से उन्हें बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उस समय रेगिस्तान में कोई बड़े बड़े रोड तो नहीं होते थे, ऊपर से ट्रक पूरी तरह से लोडेड था और वो इन कंडीशंस के हिसाब से डिजाइंड भी नहीं था। इसलिए कई बार ट्रक रेगिस्तान की रेत में धंस गया था और उसे निकालने में उन्हें घंटों लग जाते। सहारा का ये फैलाव करीब 2,500 किलोमीटर का था, और इस दौरान वो रात को रेत पर ही स्लीपिंग बैग्स में सो जाते। इसी दौरान एक समय ऐसा आता है जब क्रू तुर्क्स के एक ट्राइब से मिलते हैं, और उन्हें ग्रीट करने के लिए क्रू उनके ऊँटों को अपने कंटेनर से पानी भेंट करते हैं। डॉक्यूमेंट्री में ये दावा है कि उन ऊँटों ने इतना डिलीशियस ग्लेशियर का पानी पहले कभी नहीं पिया होगा, पर सच्चाई तो यह है कि वो पानी पीने लायक ही नहीं था। जो बर्फ पिघल कर पानी बन रही थी, उसमें टार पेपर और ग्लास वूल मिली हुई थी, इसलिए वो पानी पीने लायक ही नहीं था। इसके बाद ये एक्सपेडिशन एक पहाड़ी इलाके में आ जाता है, और इन 2 हफ्तों में इस ट्रक में पड़ी बर्फ से करीब 96 लीटर पानी बह जाता है। और करीब 7,500 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद और सहारा रेगिस्तान को पार करने के बाद करीब 177 लीटर पानी बह जाता है। आखिरकार 3 हफ्ते बीत जाने के बाद ये एक्सपेडिशन लैम्ब्रिन पहुंच ही जाता है। यहाँ पर पूरा क्रू अल्बर्ट स्विट्जर से मिलता है, और ये मीटिंग ही इस पूरे एक्सपेडिशन का ग्रेटेस्ट मोमेंट होती है। अल्बर्ट स्विट्जर अफ्रीका में फ्री में हॉस्पिटल रन करते हैं। आपको बता दें कि अल्बर्ट स्विट्जर को फिलोसफी के लिए नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। उन्होंने अपना जीवन सामाजिक कार्यों में लगाया था। क्रू उनके हॉस्पिटल में करीब 500 किलो सूखी हुई मछलियों को डिलीवर करते हैं। वहां पर मौजूद सारे मरीज खुश हो जाते हैं, और उसके बाद 300 किलो दवाइयां भी डिलीवर कर दी जाती हैं। इसके बाद फाइनली ये ट्रक 27 दिनों के सफर के बाद अपने फाइनल डेस्टिनेशन लिब्रेवेल 21 मार्च को पहुंच जाता है। वैसे तो पूरे रास्ते में ही वो बर्फ को मॉनिटर करते आए थे, लेकिन उस कंटेनर को खोलकर किसी ने नहीं देखा था। लेकिन सभी बर्फ के 3 टन बजनी ब्लॉक को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। जब कंटेनर खोला गया तो सभी हैरान थे। उस कंटेनर से पूरे सफर के दौरान सिर्फ और सिर्फ 336 किलो बर्फ ही पिघली थी। बर्फ के उस ब्लॉक का भार अभी भी 2714 किलोग्राम था।
हालांकि ये उन्हें पता नहीं था कि इस रास्ते में उन्हें कितना समय लग जाएगा, लेकिन फिर भी वो ये मानकर चल रहे थे कि आइडियल कंडीशंस में करीब 10% बर्फ तो पिघल ही जाएगी, और असल में बर्फ कुल 11% पिघल चुकी थी और ये काफी अच्छे रिजल्ट्स थे। इसके बाद बर्फ को उतार कर वहाँ के लोगों में बांट दिया गया। लिब्रेबेल के बहुत कम लोगों ने ऐसी बर्फ को देखा था। एक्सपेडिशन पूरा करने के बाद क्रू हवाई यात्रा से वापस चले जाते हैं और ट्रक समुद्री रास्ते से वापस लाया जाता है। उसी बर्फ का कुछ हिस्सा वापस ओस्लो में ले जाया जाता है, जहां पर इस एक्सपेडिशन की डॉक्यूमेंट्री के प्रीमियर पर बड़े बड़े लोगों और पत्रकारों को वही बर्फ ड्रिंक्स के साथ सर्व की जाती है। ग्लासबार्ट ने ऐसी प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी को हाथों हाथ पकड़ लिया था और उनकी कंपनी के लिए ये एक्सपेडिशन एक बहुत बड़ी सक्सेस बन गया। इस चैलेंज के बाद ग्लासबार्ट कंपनी की ग्रोथ लगातार बढ़ती ही गई। इस मिशन की वजह से बहुत से लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई। दोस्तों, आपको ये असल कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।